sürecek Bayram. Kudret Baba çok pişman, görmüyor musun? Ben konaktan gideceğim ana. Nereye gidiyorsunuz Kudret Baba? Bir şey yapmayacak mısın? Bayram, Hasan'ı mı buldun? Bulmaya gidiyorum. Hello friends, welcome back to my channel. तो फ्रेंड्स अब देखते हैं कि हमें स्टोरी में निया कौन सा ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स बारा जो है वो अपनी फैमिली को हसन से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और वह दिलान से कहता है कि मुझसे प्रॉमिस करो तो मुझसे पूछे बिना कहीं नहीं जाओगी। पर फ्रेंड्स दिलान जो है वो बारा से कहती हैं कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती और मैं तुमसे ऐसा कोई भी प्रॉमिस नहीं करने वाली, क्योंकि फ्रेंड्स दिलान नहीं चाहती कि बारा अपने गुस्से में कुछ भी रॉन्ग करें और फिर बाद में उसे इन सब के लिए बचाना पड़े। और इसीलिए फ्रेंड्स दिलान जो है वो भी बरान को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। हसन की वजह से फ्रेंड्स बरान और दिलान दोनों में झगड़ा होता जा रहा है। और दूसरी तरफ फ्रेंड्स दिलान जो है वो बरान से कहते हैं कि तुम कब तक अपने बाबा से नाराज होगे, तुम्हें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए, वो अपने किए पर शर्मिंदा है। और फ्रेंड्स बरान जो है वो अंकल कुदरत को माफ़ करने के लिए बिल्कुल भी राज़ी नहीं। और इसीलिए फ्रेंड्स अंकल कुदरत जो है वो मेंशन को छोड़कर जाने का फैसला कर लेते हैं। बट फ्रेंड्स दिलान जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं होने देगी। और दूसरी तरफ फ्रेंड्स फाइनली बरान जो है वो हसन की लोकेशन को फाइंड आउट करने में कामयाब हो जाएगा और बरान जो है वो हसन को मारने की कोशिश करता है। बट फ्रेंड्स यहाँ पर आने के बाद बरान खुद ही शॉक्ड हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स हो सकता है कि ये सब हसन का एक ट्रैप हो। होपफुली फ्रेंड्स कि इस सीज़न की एंडिंग सैड नहीं होगी और राइटर जो हैं वो बरान दिलान और इनकी फैमिली के साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे। एंड होपफुली कि हसन को इसके किए की पनिशमेंट जल्द ही मिल जाएगी जो कि वो डिज़र्व करता है। तो फ्रेंड्स आपको क्या लगता है कि हसन के लिए क्या पनिशमेंट होनी चाहिए, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड फ्रेंड्स कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह के मज़ीद नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।